देखो ये वाला होटल है और ये यहाँ पे है सदियान में जमील के रूम की तरफ। पूरे रमजान भर यहीं पे आता रहा मैं। ये है द्वार दल्ला। ये देखो मस्त बना रखे हैं पुराने जमाने जैसा। तो ले लिया मैं वो रूबा मेरा है, बाकी ये दो मुर्गी इन लोगों का है। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो एक नए ब्लॉग में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आप लोगों ने कल का वीडियो देखा था, कल का वीडियो मैंने इतने आसानी से समझाने की कोशिश किया था हर चीज़, मगर कुछ लोग कसम खा रखे हैं कि ये कुछ भी डालें ना हम समझेंगे, और समझेंगे भी तो उल्टा ही सीधा कमेंट करेंगे। तो वही हो सकता है कि कहीं सही से समझ में नहीं आया हो, तो मैं आज सही से समझा देता हूँ कि क्या हुआ है। अब देखो, वो धमकी दिया था, जो भी किया था वो सब रिकॉर्डिंग है ही। बाकी अब बोल रहा है कि भाग गए, तो ये थोड़ी कि हम यकीन कर ले वो जो भी बोले कुछ भी बोले। अब हम पुलिस को बोले हैं कि हाँ जो भी है ये सब हम दिखाए हैं। बाकी वो पुलिस बोला है उससे कि छुट्टी लेके आओ, वो छुट्टी लेके आएगा तो पूछताछ करेंगे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अब ये बोल दिया है कि भाग गए हैं, तो ऐसे थोड़ी कि हाँ हम मान लें कि हाँ भाग ही गए हैं। तो ये कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि किसी के औरत का लेके भागेगा ये वो। तो भाई आपको मालूम है या फिर मुझे मालूम है कि वो लोग भागे हैं कि नहीं भागे हैं, या फिर सिर्फ शक शक में ही कहीं बांध के रखा है कि कहीं कुछ कर दिया है और वो हमें घुमा रहा है इधर उधर, झूठ बोल रहा है कि वो भाग गए हैं, ऐसा हो गया, वैसा हो गया है। ये सब का अभी जांच थोड़ी हुआ है, अभी जांच हो रहा है। जो भी सच्चाई आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। तब तक के लिए आप लोग इंतज़ार कीजिए, थोड़ा सब्र कीजिए। कोई भी ऐसा उल्टा सीधा अपने दिमाग में ना सोचिए कि हाँ ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है। अगर हो भी सकता है तो आप ही लोग बताओ कि 35 साल की औरत को कोई 20 या 21 या 17 18 साल का बच्चा भगा के लेके जाएगा, या फिर वो बच्चे को वो भगा के लेके गई होगी। जो भी हुआ होगा वो सच्चाई आएगा, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि क्या हुआ है, किसका गलती है। पहले वो लोग सामने तो आए, पहले पकड़े जाए, कोई गवाही दे कि हाँ मुझे ये भगा के लेके गया था, या फिर मुझे ये भगा के लेके गई थी, या फिर हमारे बीच में कुछ भी नहीं है, ये ऐसा उसका हस्बैंड पर शक कर रहा है। वो पुलिस वाले से बात की थी उसकी बहन, तो उसकी बहन ने भी यही बोला था कि उसका पति उसके ऊपर शक करता रहता है और पैसा नहीं देता है, तो ये अपना नौकरी करके खाती है, बच्चों को पालती है। तो उसने तो ऐसे ही सब बोला है। तो जो ये शक का है उसकी बहन भी बोली है कि वो शक करता रहता है। तो अभी जो भी सच्चाई होगा, जो भी कुछ भी होगा, जैसे ही मालूम चलेगा हम लोगों को। बाकी देखो ये सब इन सब में तो टाइम लगता ही है, ऐसा नहीं होता कि हाँ 2 दिन में कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए। अब जो भी है कार्रवाई हो रहा है, जो भी सच्चाई आएगा, तब तक के लिए आप लोग दुआ कीजिए, इंतज़ार कीजिए। हाँ कुछ लोग हैं उनका मैं नाम जानता हूँ, नाम में मेरा दिमाग में घुस गया, वो लोग डेली वो कोई भी वीडियो में, चाहे रमजान का हो, ईद का हो, बकरीद का हो, कोई भी वीडियो में वो लोग उल्टा ही कमेंट करते हैं। तो मैं उनके कमेंट पे ध्यान नहीं देता, मैं वीडियो उनके लिए नहीं बनाता हूँ। मैं वीडियो जो 1000 2000 जो मेरे 7000 सब्सक्राइबर है, मैं वीडियो उनके लिए बनाता हूँ, ताकि उन लोग को मेरे ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कैसा हम लोग ज़िंदगी जी रहे, कैसा मैं जी रहा हूँ, उन लोगों को मैं अपडेट देता हूँ कि हाँ ऐसा हुआ ऐसा नहीं हुआ है। बाकी वो जो दो नहीं समझ पाते हैं, दो तीन जो है वो नहीं समझ पाते हैं, तो भाई अब उनको और किस भाषा में समझाऊं और कितनी आसानी से समझाऊं कि आप लोग उम्र देख रहे हो, मेरे भाई का शक्ल देख रहे हो, उसका बॉडी भी देखना है तो जाके इंस्टाग्राम पे देखो। ऐसा स्मार्ट लड़का, कोई ऐसा 30-35 साल की औरत, वो भी आप लोग शक्ल देख सकते हो उस औरत का, अगर ऐसा उसके चक्कर में ऐसा इतना पागल हो जाएगा, ऐसे आप लोग कैसे सोच सकते हो? हाँ वही कारण है कि उसका हस्बैंड देख रहा है कि ये स्मार्ट लड़का है, तो उसी कारण वो शक कर रहा है कि ऐसे क्यों मानती है, क्यों उससे बात करती है, क्यों इतना मानती जानती है, उसी पे वो शक कर रहा है। जो भी हो, अगर सच्चाई भी होगा तो भाई
वो पहले सामने तो आए, सामने आएगा, जिसकी भी गलती होगा मैं खुद ही बोलूंगा कि इसकी गलती है, उसकी गलती नहीं है, पहले सामने तो आए। अब वो पहले दिन इतना गाली दिया था कि उसका भाई ढूंढ रहा है गला काटने के लिए, तो मैं उसको मार दिया हूँ, दफनाने जा रहा हूँ, लाश अकेले जाओ, इतना सारा बोलने के बाद अब बोलता है कि मोबाइल उसने छीन लिया था, अब बोलता है कि मोबाइल मुझसे छीन के लेके भाग। कैसे वो दो अगर है और ये करीब उस समय 7-8 लोग थे, 7-8 लोग से मोबाइल भी छीन लिए और वो लोग भाग भी गए और ये कुछ नहीं कर पाए मिलिट्री में होके, आप ही लोग सोच लो। तो अभी जो भी है अपना कार्रवाई चल रहा है, जो भी है अभी उसको बुलाए हैं लोग और वहाँ के देखो क्या गवाही देता है, सब जांच वगैरह होगा तो जो सच्चाई आएगी मैं आप लोगों को बता दूंगा। तब तक के लिए सब्र कीजिए और दुआ कीजिए और ढूंढिए आप लोग भी कि अगर कहीं बाहर है लोग तो मिल जाए, नहीं है लोग तो कितना भी ढूंढे कहाँ मिल पाएंगे। तो चलो वही कुछ लोगों को गलत फहमी हो गया था, उल्टा सीधा कमेंट कर रहे थे लोग, मैं डिलीट कर दिया था उन लोगों का कमेंट ताकि ऐसा कुछ ज़्यादा माहौल ना बन जाए। बाकी मैंने सोचा कि चलो इस वीडियो में ये भी बता देता हूँ, कम वो पूरा क्लियर कर देता हूँ क्या है। बाकी अभी अभी बैंक वाली मैडम फोन करके बोली है यही अलवादिया वाले मार्केट में जाने के लिए, वहाँ कोई होटल है, तो चलो अभी चलते हैं। अभी मैं खाना खा के लेटा ही था तब तक उसका फोन आ गया। तो दोस्तों अभी रात के 10:26 हो रहा है, अभी अभी बैंक वाली मैडम फ़ोन की थी, बोली थी इधर ही अलवादिया में एक होटल है वहाँ पे जाने के लिए, वहाँ से कुछ मंगाएगी वो होटल से। चलो चल के देखते हैं क्या मंगाती है, वहाँ पे जाके फ़ोन पे बात करवाना पड़ेगा। तो अभी निकलते हैं, देखो 10:26 हो रहा है। तो मैं इधर आया तो हूँ, इसका फोटो भेजा हूँ मैं ये होटल का, देखते हैं ये है कि उधर है कोई। तो देखो दोस्तों यहाँ पे कितने सारे होटल है, एक है, दो है, तीन है, चार है, वो वाला बोली है, अभी मैं फोटो भेजा था तो वो बोली है। तो यहाँ मैं गया था अभी बात करवाया मैं, पर ये यहाँ पे वो बुखारी ख़त्म है, तब वो लोकेशन भेज रही है सदियान का, अब सदियान जाना पड़ेगा, वहाँ से रोज बुखारी उसको पहुँचाना पड़ेगा, देखते हैं कहाँ का भेजती है। तो चलो दोस्तों सदियान का लोकेशन आ गया, अभी मैं वहाँ पे चल के आप लोगों को दिखाता हूँ क्या मंगाती है। तो देखो दोस्तों उसी एरिया में अभी मैं आया हूँ जहाँ पे जब मैं नया नया आया था तो मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता था, इधर ही ये खाली मैदान में मैं गाड़ी चलाना सीखता था, कभी किसी का गाड़ी मांग के कभी किसी की गाड़ी मांग के। चलो ये इधर का बता रहा है लोकेशन, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। बाकी रमजान में एक बार आया था, पार्टी हुआ था, हम सब आए थे, सिराज वगैरह सब, इरफान वगैरह, उनका घर रूम इधर ही है। तो ये लोकेशन मुझे घुमाते घुमाते इधर लेके आया है, देखो ये वाला होटल है और ये यहाँ पे है सदियान में जमील के रूम की तरफ, पूरे रमजान भर यहीं पे आता रहा मैं। ये है द्वार दल्ला, ये देखो मस्त बना रखे हैं पुराने जमाने जैसा। तो ये काउंटर पे बिल कटवा लिया मैं, देखो 88 रियाल का बिल हुआ है। तो अभी दोबारा बैंक वाली मैडम फोन करके बोली थी तुम्हें कुछ चाहिए तो ले लो, तो ये 12 रियाल का रूबा ले लिया मैं। अभी तो मैं खाना खा लिया हूँ, कल दोपहर में खा लेंगे गरम करके। बाकी ये सब ये देखो, ये देख रहे हो कैसा भुट्टा है, रंग बिरंगा, लाल, पीला, हरा, नीला, सब कलर है। तो ले लिया मैं वो रूबा मेरा है, बाकी ये दो मुर्गी इन लोगों का है। तो अभी चलो ये पहुंचा देता हूँ मैं, यहाँ से ऐसे सीधे जाके जमील का रूम है और इधर से ये रोड जाओ या फिर वो रोड जाओ, मेरा रूम है उधर। इसका थंबनेल ले लूँ, देखो
देखो अब सही से थंबनेल इसका लग जाएगा। तो ये खाना लेके पहुंच गया मैं, अभी देखो 11:15 हो रहा है। ये रहा कपिल का घर, ये बैंक वाली मैडम मंगवाई है, फॉर्चुनर वाली मैडम। तो दोस्तों दे दिया मैं वो खाना, बाकी ये अपना लेके चलते हैं, दोपहर में खा लेंगे। 100 रियल का बिल हो गया था सब टोटल मिला के, मैं भेज दिया हूँ मैसेज, देखो भेजेगी अकाउंट में मेरे।